खाली कर दिया। आज भी तुम्हें मालूम है दिल्ली को कितना पानी इससे मिलता है, सब सरफेस से? More than 60% पानी अभी भी तुम लोग धरती से निकाल के पीते हो, जबकि गंगा का पानी लेके आए हो सोनिया बिहार में मुरादाबाद से। गंगा का पानी भी आ गया, यमुना को तो तुमने मलमूत्र में बदल ही दिया। आप लोग तो पानी पी लेते हैं वजीराबाद से ऊपर, और दिल्ली के नीचे के सब लोगों को आप अपना मूत्र पिलाते हैं, मलमूत्र। हाँ, पानी नहीं पिलाते, एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद केवल मलमूत्र है या तेजाब है या सारा गंदा पानी है। तो दिल्ली वाले लोग जो हैं ये मानते हैं कि बस सबसे बड़े राजा यही हैं। वैसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर गंगा का पानी ले आए, यमुना को सुखा दिया, और फिर यमुना जो भी कुछ बची तो उसको नाला बना दिया, और जो सड़कें हैं उसको सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दिया कि एक बूंद पानी धरती में नहीं जाए। दिल्ली में दो बड़ी चीजें थी पानी की, इंद्रप्रस्थ जो यमुना का फ्लड प्लेन था, खांडव प्रस्थ ये जो जिसको अरावली माउंटेन रिज कहते हैं, ये खांडव प्रस्थ है। पूरा जो इंडिया जो दिल्ली का वेस्ट पार्ट है, साउथ पार्ट है, ये खांडव प्रस्थ है। दिल्ली रिज जिसको कहते हैं, अरावली, अरावली का ये मुंह है। कितना है तुम्हें मालूम है? 4,000 हेक्टेयर जमीन है खांडव प्रस्थ की, और 10,000 हेक्टेयर जमीन है इंद्रप्रस्थ की। सब पे कब्जे हो रहे। तुम तो सड़क के लिए रो रही हो, पर इन बड़े घरों को देखो, ये भी कब्जे में जाने वाले हैं। इंद्रप्रस्थ को तो अक्षरधाम नाम का एक ऐसा खराब सा मंदिर बना है, क्या बताएं यार, गाली देने को मन कर रहा है, पर इस सभा में गाली देना अच्छा नहीं लगता। जो लोग गंगा के पेट में, यमुना के पेट में मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर होता? जो लोग यमुना के पेट में कॉमनवेल्थ विलेज बनाते हैं, वो खेल के नाम पे जीत सकेंगे? यदि उनके दो चार खिलाड़ी जीत भी गए, तब भी इस खेल के बाद सबसे ज्यादा बदनामी इस देश की होगी तो इस बात के लिए होगी कि क्या हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ विलेज बनाने के लिए नदी के अलावा कोई जगह नहीं थी? इनको नदी ही मिली थी। हम सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1.5-2 साल से लड़ रहे हैं, जब तक ये काम भी शुरू नहीं हुआ था, तब हमने कहा था कि दिल्ली में यमुना को अपनी आजादी चाहिए। यदि हमें आजादी चाहिए तो नदियों को भी आजादी चाहिए। यदि हम नदियों को आजादी नहीं देंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि नदियां केवल यदि मलमूत्र बहाने की चीज रहेंगी और वो हम उनको मर्जी आए जहां रोक देंगे तो हमारी सेहत ठीक नहीं रह सकती। नदियों के साथ, नदियों की सेहत के साथ हमारी सेहत जुड़ी हुई है, इसलिए नदियों की आजादी, यमुना की आजादी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी आजादी जरूरी है। लेकिन इस कमबख्त सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसके खिलाफ हम लोग अभी, तुम्हें मालूम है हम लोगों को 700, आज कितनी तारीख है? हाँ, 21, 21, हम लोगों को 718 दिन हो गए हैं सत्याग्रह करते हुए यमुना को बचाने के लिए। लेकिन ये दिल्ली के लोग इतने बेशर्म हैं, बेशर्म कि इनको अपनी यमुना को बचाने का तनिक भी दर्द इनके मन में नहीं है। ये तो चाहते हैं कि यमुना मर जाए, गंदा नाला बन जाए, सबको दूसरों को ये अपना मलमूत्र पिलाएं, गंगा यमुना में पानी ना बहने दें। मुझे बहुत रोना आता है ये सब कह के, और ये सब बुरे काम दिल्ली के लोग कर रहे हैं। देश भर में और लोग भी कर रहे हैं, पर दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं। हम लोग कॉमनवेल्थ विलेज के खिलाफ 718 दिन पूरे करने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि हमें यमुना यदि नहीं बचेगी तो हम बेपानी हो जाएंगे और फिर दिल्ली से उजड़ जाएंगे। फिर दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा तो दोबारा उजड़ के कहां राजधानी बनाएंगे भाई? ये तुम्हारे सबके लिए सवाल छोड़ के जाता हूं। बस तुमने बहुत दिल को दुखाने वाला सवाल पूछ लिया कि सड़कों की बात कर रही हो, सड़कें तो हो ही गई, तो नदी, वो तो अरावली का जंगल, वो तो इंद्रप्रस्थ, सब बिक गया है। तुम्हें मालूम है इस 10,000 हेक्टेयर जमीन को बेचने के लिए दिल्ली सरकार ने एक एक सवा सवा डेढ़ डेढ़ लाख रुपए गज के हिसाब से 10,000 हेक्टेयर को जरा कैलकुलेट करो कितने पैसे का, कोका कोला, पेप्सी, भिवंडी, स्विस, सबको, सब बड़ी कंपनियों को, क्योंकि वहां अंदर पानी था और ये सब बड़ी कंपनियां पानी निकाल के बेचना चाहती थी।
वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी करो, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करो कि उसकी कृपा से हम लोग सब लाइसेंस रुकवा पाए। हमने जितने भी लाइसेंस दिए थे, तुम्हें मालूम है पवन हंस कंपनी वहां मयूर बिहार के सामने हवाई अड्डा बना रही थी यमुना में, उसको रुकवाया, मॉल रुकवाए, ये सारी जो पानी लूटने वाली कंपनियां आ रही थी उनको हटवाया। लेकिन मैं कहां से, राजस्थान से आके दिल्ली में, मेरा दिल्ली में क्यों, क्या क्या जरूरत है मुझे दिल्ली में, मेरी तो दिल्ली नहीं है, मेरा तो गांव है। लेकिन एक गांव से आदमी आके लड़े यहां दिल्ली में और दिल्ली वाले अपना मजा करते रहे, गलत बात है ना भाई। माफ करना मैंने जरा गुस्से में ये सब कह दिया है, तुम अपना दिल मत दुखाना, ठीक है जी। पूछिए। भारत में जल संकट तो लगातार बढ़ रहा है और पूरी भारत सरकार इसको महसूस भी कर रही है और उसके लिए काम भी कर रही है। तो एक सवाल तो ये है कि भारत में जो जल संकट और पानी के कानूनों को बदलाव कर रही है, आप भारत सरकार में पानी के सलाहकार भी हैं, उस समिति में भी हैं, तो एक तो हम सारे लोग हैं और नौजवान भी है जानना चाहते हैं कि किस तरह से बदलाव कर रही है और उसके पीछे क्या कारण है कि वो आप जैसे महापुरुषों की जो पानी के लिए जाने जाते हैं और वो बात समझ नहीं पा रही है, मान नहीं रही है या तो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, एक तो ये। दूसरा ये कि नरेगा जैसी एक जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें पानी के प्रबंधन के लिए प्राथमिकता है, लेकिन उन्होंने पानी के प्रबंधन में आरक्षण लगा रखा है, जबकि पर्यावरण पे पानी के प्रबंधन पे पर्यावरण वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। यानी छोटे किसान जाति के आधार पर भी और कृषि के उसपे आधार पर भी, जोत के आधार पर भी उन्होंने बना रखा है कि यही पानी की इन्हीं की मेड़ें बनाई जाएंगी, यही पेड़ लगाएंगे, इन्हीं के खेत में छोटा तालाब होगा। तो आखिर इन पर आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए भारत सरकार को और किस तरह की नीतियां वो बना रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। देखिए, वर्ष 2002 में एक जल नीति बनी थी जिसमें पानी का निजीकरण करने का सरकार ने मंशा रखी थी। हम उस नीति के खिलाफ जब वो प्रोसेस शुरू हुई 1998 में, तब से उसका विरोध कर रहे थे और उसको बदलवाने के लिए, उसको ठीक बनवाने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन जल नीति की धारा 13 में, जल नीति 2002 की धारा 13 में पानी का निजीकरण करने का दुष्चक्र शुरू हुआ। हिंदुस्तान जैसे देश में जो पानी को पंचमहाभूत मानता है, हिंदुस्तान जैसे देश में जो पानी को जीवन का आधार मानता है, उस देश में पानी को बाजार बना दे या पानी का व्यापार खड़ा कर दे, ये बहुत दुखद बात है। और देखो, ये सरकारें कभी किसी की मानती नहीं है, किसी की नहीं मानती, ये सरकारें केवल बाजार की मानती है। आज जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र ठेकेदारों के हाथ में चल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि भाई आपके वोट से आपका राज चल रहा है, पर दोस्तों आपके वोट से आपका राज्य नहीं चल रहा है, आपका राज्य ठेकेदारों के हाथों से चल रहा है। इसीलिए जल नीति में पानी के निजीकरण को, पानी के व्यापारीकरण को, पानी के बाजारीकरण को रोकने के लिए इतनी बड़ी आवाज उठने के बावजूद भी हम रुकवा नहीं पाए। इस वक्त मैं तो सरकार की कभी जल नीति की समिति में, मुझे शुरू के दिनों